हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम ग्रीन टी फेशियल को घर में अपने आप कर सकते हैं। इसके लिए जितने भी इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ वो सारे हम अपने घर से ही अवेलेबल होंगे हमें। तो इसके सारे बेनिफिट इफेक्ट जो है वो मैं वीडियो में आपको साथ साथ में बताती जाऊँगी स्टेप बाय स्टेप। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे गिलास ले रही हूँ। गिलास में मैं वार्म वाटर ले रही हूँ। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वार्म वाटर होना चाहिए। इसे एक गिलास वार्म वाटर लेने के बाद इसके अंदर मैं ग्रीन टी का एक पाउच यूज़ कर रही हूँ। आप पाउच यूज़ कर लें या जिस तरह से मैं ग्रीन टी का एक बैग यूज़ कर रही हूँ, आप इसे ग्रीन टी का बैग इसमें भिगो के रखें, डिप करें। डिप करने के बाद जब पानी जो है वो स्लाइटली ग्रीन हो जाए तो आपको क्या करना है कि इस टी बैग को तब तक इसमें डिप करके रखना है जब तक कि पानी जो है वो स्लाइटली ग्रीन नहीं हो जाता। स्लाइटली ग्रीन होने के बाद आपको क्या करना है कि इस टी बैग को इसमें से निकाल देना है। तो जो ये वाटर अब बन गया है स्लाइटली ग्रीन वाला, इसी को हम यूज़ करेंगे अपने सारे स्टेप्स में, जो कि फेशियल के 4 स्टेप होते हैं। वो चारों स्टेप में इस वाटर का यूज़ होने वाला है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप अपना फेशियल। तो गाइस, पहला स्टेप है क्लींजिंग। तो क्लींजिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जो हमने ग्रीन टी का वाटर बना के रखा था, उसी में से मैं 2 चम्मच जो हैं ग्रीन टी के ले रही हूँ। और उसके अंदर मैं चिल्ड दही, कर्ड जिसे हम कहते हैं, दही कहते हैं जिसको, चिल्ड दही हमको इसमें ऐड करनी है और इन्हें अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपका जो क्लींजिंग के लिए जो लोशन है वो रेडी हो जाएगा। इसको आपको अपने फेस पे लगा के अच्छे से मसाज देनी है, जेंटली मसाज करना है। इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं क्योंकि इसमें जो दही है वो लैक्टिक एसिड से भरपूर होती है जो कि स्किन को ड्राई होने से बचाती है और स्किन को हाइड्रेट करती है, जिससे कि नेचुरल ग्लो जो है वो आपकी स्किन को देखने को मिलता है। और ग्रीन टी के फ़ायदे तो आप सबको पता ही हैं, जो कि मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊँगी। तो गाइस, सबसे पहले मैं ग्रीन टी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं आपकी प्री मेच्योर एजिंग से। जो यूवी डैमेज हो जाती है हमारी स्किन, उससे भी ये प्रोटेक्ट करती है, रेडनेस, इरिटेशन सब कुछ ख़त्म करती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि स्किन को सारे बैक्टीरिया से बचा लेते हैं। तो सो गाइस, अच्छे से मसाज करने के बाद आपको अपने फेस को साफ़ कर लेना है, वॉश कर लेना है, या फिर सीधा आप अपने टॉवल से पोंछ भी सकते हो। तो उसके बाद ही आपकी स्किन जो है वो अगले स्टेप के लिए रेडी होगी, क्योंकि आपको सबसे पहले अपनी स्किन से जितनी भी डर्ट है, जितनी भी पल्यूटेड आपकी स्किन हो चुकी है, उन सबको आपको क्लीन करना है। क्लीन इसलिए क्लींजिंग का स्टेप जो होता है वो नंबर 1 पे आता है, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने फेस को बैक्टीरिया फ्री करना होता है, इसलिए हम क्लींजिंग करते हैं। तो इसके लिए जो हमने कर्ड और ग्रीन टी को मिक्स करके यूज़ किया है, ये बहुत ही अच्छे से हमारे सारे बैक्टीरिया को हमारे फेस से निकाल देगा और हमारी स्किन जो है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो गई है। तो गाइस, सेकंड स्टेप है एक्सफोलिएटिंग करना अपनी स्किन को। तो यहाँ पे मैं उसी ग्रीन टी वाटर को ले रही हूँ 2 चम्मच, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी शुगर। 1 चम्मच शुगर मैं उसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं शुगर के, बिल्कुल अच्छी तरह से ये पीसी हुई नहीं है। तो एक्सफोलिएटिंग करना आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे जितनी भी डेड स्किन सेल होते हैं वो सारी डेड स्किन वगैरह इसमें रिमूव कर देता है एक्सफोलिएटिंग से। सो गाइस, शुगर में बहुत ही अच्छी एक्सफोलिएंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्किन की सारी डेड स्किन सेल को रिमूव कर देती हैं, और आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा ड्राई भी नहीं होती और ज़्यादा ऑयली भी नहीं लगती। इससे क्या होता है कि स्किन जो है वो नेचुरली ग्लो करने लग जाती है। तो गाइज़, इसको भी आपको अच्छे से मसाज करना है, जेंटली आपको धीरे धीरे मसाज करनी है, बहुत ही सॉफ्ट हैंड रखने हैं मसाज के टाइम पे, और 3 से 4 मिनट मसाज करने के बाद इसको आप वॉश कर लें ठंडे पानी से, और उसके बाद इसी कॉटन के क्लोथ से या फिर किसी सॉफ्ट टॉवल से आप अपने फेस को पोंछ लें। तो आप देख सकते हो एक्सफोलिएटिंग करने के बाद ही मेरी स्किन जो है वो कितनी अच्छी लग रही है, और काफ़ी हद तक मेरी जितने भी डेड स्किन सेल जो पहले लग रही थी स्टार्ट करने से पहले, वो सारी हट गई है और मेरी स्किन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट लग रही है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि होने वाला है स्टीमिंग। तो थर्ड स्टेप है स्टीमिंग। तो स्टीमिंग करना आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। सो गाइज, मैं यहाँ पे स्टीमर का यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को स्टीम करने के लिए। आप चाहें तो पानी गर्म कर सकते हैं किसी बाउल में, और उसके साथ आप भाप ले सकते हैं अपने फेस पे, या फिर आप गर्म टॉवल कर लें, गर्म पानी में टॉवल को भिगो के भी अपने फेस पे लगा लें, तो उसके साथ भी आपको स्टीमिंग का पूरा इफेक्ट मिलेगा।
सो गाइस, जो फेस की स्किन होती है उस पर काफ़ी डर्ट वगैरह जो है वो जमी होती है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, पोल्यूशन वगैरह सब चीज़ों से हमारी स्किन जो है वो डर्ट हो जाती है, गंदी हो जाती है, और जो डर्टनेस होती है वो हमारी स्किन पे जम जाती है। उससे क्या होता है कि पोर्स जो होते हैं हमारी स्किन के, जितने भी पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसे में फेशियल स्टीमिंग से पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं और सारी डर्ट जो है वो बाहर निकल आती है। तो अब बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप पे, जो कि होने वाला है फेस मास्क। तो सो गाइस, जो ग्रीन टी बैग बचा था डिप करने के बाद, उसमें जितने भी पत्तियां थी टी की, उन सबको मैं खोल के इस बाउल में डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसके ऊपर से मुल्तानी मिट्टी डालूंगी एक चम्मच, और आधा चम्मच मैं इसमें शहद डालूंगी, और तीनों इंग्रेडिएंट को मिलाने के लिए मैं उसी ग्रीन टी वाटर का यूज़ करूँगी, और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और एक तरह से पेस्ट बना लूँगी। तो आपको इस पेस्ट को अपने फेस पे अप्लाई करना है। तो इस पेस्ट को आपको अपने फेस पे अच्छे से इवनली स्प्रेड करना है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो इसमें मुल्तानी मिट्टी मैंने यूज़ की है, मुल्तानी मिट्टी बहुत ही बेनिफिशियल होती है हमारी स्किन के लिए, कॉम्प्लेक्शन को एकदम से फेयर कर देती है, शाइन देती है, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, पिंपल्स को रिमूव करती है, पोर्स को बंद कर देती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये टैनिंग को बहुत ही अच्छे से रिमूव कर देती है। स्किन का टेक्स्चर जो है वो बहुत ही प्यारा हो जाता है इसको लगाने के बाद। और जो इसमें हमने शहद का यूज़ किया है, शहद में एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो गाइस, शहद जो है वो उसे परफेक्ट इंग्रेडिएंट माना जाता है एक्ने को रोकने के लिए, और जितने भी आपकी स्किन पे एक्ने होते हैं उन्हें ठीक करने के लिए ये जो शहद है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एजिंग इफेक्ट को भी रोक देता है और ग्लोइंग स्किन जो है वो आपकी होने लग जाती है। तो गाइस, इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं इसे 15 मिनट तक इसे लगा रहने दूंगी। 15 मिनट मैं इसको ड्राई होने दूंगी, उसके बाद मैं तो जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो इसे मैं वॉश कर लूंगी ठंडे पानी के साथ। तो वॉश करने के बाद आप देख सकते हो मेरी स्किन पे जो है इंस्टेंटली इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो गाइस, जितनी भी मेरे स्किन पे ड्राइनेस थी, डलनेस थी, वो सारी इम्प्रूव हुई है, और मेरा फेस जो है वो ग्लो कर रहा है, शाइन कर रहा है, और मेरे फेस की जो स्किन है उसका टेक्स्चर बहुत ही स्मूथ हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये जो ग्रीन टी फेशियल है इसे आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके क्या होगा कि पिंपल्स, एक्ने वगैरह जिनको भी ये प्रॉब्लम है, अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल इफेक्ट देने वाला है विंटर्स में आपकी स्किन को। सो गाइज, आई होप कि आपको ये मेरा ग्रीन टी फेशियल वाला वीडियो पसंद आया होगा और आपको इफेक्ट भी लाइव देखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो आप इसे आगे शेयर कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूं। तो जल्दी आती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।